आगामी जून 2023 को जेनिथ ऑर्डर द्वारा नासा स्पेस एप्स मॉडल यूनाइटेड नेशन की सहायता से हाउस ऑफ जेनिथ मॉक पार्लियामेंट 2023 का आयोजन किया गया है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय जेनिथ ऑर्डर के को फाउंडर देव कौल ने आयोजन के विषय में जानकारी दी। दरअसल इस आयोजन में प्रजातंत्र एवं नेशनल डिप्लोमेसी के तत्व को उजागर करने के उद्देश्य से द जेनिथ ऑर्डर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अनुरूप 400 से अधिक प्रतिनिधियों के पंजीकरण की संभावना है, तो वही 400 से अधिक कॉलेजेस को प्रतिनिधित्व हेतु अप्रोच किया गया है, जहाँ मॉडल MUN के पंजीकरण के लिए 1200 हेक्टॉन मुक्त रूप से तो स्पेस फेस के लिए 150 फीस रखी गई है। इस आयोजन में 5 कमेटियों के अनुरूप चर्चा सत्र आयोजित की गई है, जहां विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो मेरा नाम देव क्यावल है, मैं द जेनिथ ऑर्डर का को-फाउंडर हूं और नासा स्पेस एप्स मॉडल यूनियन का सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव हूं। इस इवेंट के तौर पे हम बच्चों की तरफ हमारी जनरेशन की और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स प्रपोगेट करने की इच्छा रखते हैं। ये इवेंट ICTRD जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कोलेबोरेशन में हो रहा है। हमें अप्रोच किया गया था नासा स्पेस एप्स के लीड के थ्रू, जो नासा का ही खुद का एक चैलेंज हर साल होता है। 2022 में भी वो ऑनलाइन तौर पे हुआ था, इस साल वो ऑफलाइन तौर पे हो रहा है। उसमें हैकेथॉन, स्पेस क्विज और साइंस एग्जीबिशन भी होगा। इसके अलावा जो चौथा इवेंट जो जेनिथ ऑर्डर के थ्रू किया जा रहा है, वो मॉडल UN होगा। ये इसमें हम 300 लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस 400 प्लस कॉलेजेस को डेलीगेशन के लिए बात हो चुकी है। इस पे लॉ कॉलेज से स्टूडेंट लेके 8वीं के बच्चों तक सबके सब डिबेट करने आ सकते हैं। इधर 5 कमिटीज़ होंगी, उसमें से 3 कमिटीज़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कमिटीज़ है, 1 कमिटी जो है वो राष्ट्रीय कमिटी है और 1 कमिटी जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेस की कमिटी रखी गई है, जिसे हम इंटरनेशनल प्रेस कॉप्स कहते हैं, जहाँ पे बच्चे BBC हो गए, नवभारत हो गए या फिर इंडिया में जितनी भी प्रेस मीडिया हाउसेज है, इंटरनेशनल स्तर पर जितनी प्रेस मीडिया हाउसेज है, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें फोटोग्राफी का ऑप्शन होता है और जर्नलिज्म का ऑप्शन होता है। जर्नलिज्म में राइटर्स कंटेंट लिखते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब लिखते हैं और फोटोग्राफर्स अपनी फ़ोटो खींच के उन तस्वीरों को न्यूज़ लेटर्स में डाल के अपनी स्किल्स का शोकेस करते हैं। इसके अलावा जैसे UNGA कमेटी मानसी जी ने एक्सप्लेन करी, UNOSA कमेटी भरत जी ने एक्सप्लेन करी, स्टेट स्पोर्ट्स चैतन्य जी ने एक्सप्लेन करी, ये सारी कमिटीज़ अंतर्राष्ट्रीय कमिटीज़ है। इधर जो डिस्कशन होगा वो साइबर सिक्योरिटी से लेके कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस ट्रैवल से लेके स्पेस लॉज तक यहाँ तक जाएगा, सीमित नहीं होगा ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में। जहाँ तक हम बात करते हैं नागपुर के स्कूलों की और कॉलेजेस की, हमारी बातें काफ़ी सारे कॉलेजेस से शुरू है। मैं खुद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का छात्र हूँ, वरद जी NLU नागपुर के छात्र हैं। हम सब अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशन से भी हमारे यहाँ पे डेलीगेशंस आए। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1200 रुपये है फॉर द मॉडल UN, हैकेथॉन फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेस क्विज और एग्जीबिशन की फीस 150 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो कैश प्राइजेस हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस में दे रहे हैं, MUN में दे रहे हैं, वो बेस्ट डेलीगेट के लिए 7000 है, हाई कमेंडेशन जो सेकंड प्राइज होता है उसके लिए 5000 है और इंटरनेशनल प्रेस में फोटोग्राफर के लिए 5000 और जर्नलिस्ट के लिए 5000 ईच के तौर पर है। इसके थ्रू जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर नासा स्पेस एप्स के सेंट्रल इंडिया लीड की सिग्नेचर होगी, हमारे को लीड जो नागपुर से हैं उनकी भी सिग्नेचर होगी, ICDRT के डायरेक्टर केतन सर वो आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे, शायद 29 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, उनके कोलैबोरेशन में भी होगी, उनकी सिग्नेचर भी होगी। इवेंट डे पे इसरो के 5 साइंटिस्ट जो है वो हमने इनवाइट किए हैं, वो इवेंट देखने आएंगे, एग्जीबिशन देखेंगे, MUN देखेंगे, जितना इंटरेक्शन वो बच्चों से कर पाएंगे वो करेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।